हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एंड बहुत जने वरी हो रहे थे, मतलब डीएम इतने सारे आ रहे थे मेरे को, दीदी क्या हुआ, 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा आपका। तो बस तबीयत मैं आप लोग को अपडेट देंगी बोल के आई गाइस आज। तो आज टाइटल देखे समझ गए होंगे, कुछ बड़ा ब्लॉग नहीं बना सकी मैं आज, बिकॉज हेल्थ मतलब फीवर वगैरह चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल ही कम हुआ, तो मैं सोची और एक दिन रेस्ट लेंगे, बट आप लोग का प्यार ना यहाँ तक खींच के लेके आया, मतलब ब्लॉग बनाओ, तो इसके वजह से ना मैं ब्लॉग लेके आई आज, छोटा सा इंफॉर्मेशन ब्लॉग, मतलब हेल्थ की अपडेट दूंगी बोल के आई मैं गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेस भी देख के समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत हालत ख़राब हो गई थी फीवर में, मतलब पूरी बॉडी बोल रही थी अपना ही काम नहीं करती ऐसी हो गई थी पूरी बॉडी। और उसके बाद में मेरे किड्स को आया फीवर, मेरा मतलब घर में रहा तो मालूम ना सबको लगता, फिर सबको आया, फिर सबका अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो अली को थोड़ी बहुत खांसी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सबको पूरा ठीक है, तो इंशाल्लाह अपन आएंगे फिर कल से ज़बरदस्त। तो अभी थोड़ी बहुत आपसे बात करेंगे, तो इससे क्या होता आप लोग को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता लाइफ का मेरे, बिकॉज जो भी रहना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय पियेंगे अपन पहले। थोड़ी वॉइस और सर्दी की वजह से ना गला सीधा हो रहा फिर टेढ़ा हो जा रहा, मतलब आवाज़ अच्छी आ जा रही फिर थोड़ी देर के बाद में आवाज़ ख़राब हो जा रही, मतलब मौसम 5 बजे तक ऐसी धूप रह रही ऐसा दिख रहा, एसी आन डाल दो फैना डाल दो, फिर 5 बजे के बाद में जो सर्दी हो रही ना ख़तरनाक हो रही सुबह तक। तो बस अल्लाह सबको अच्छे से रखना, सबकी बीमारियों को दूर करना। एंड ये वायरल फीवर है तो कम हो जाता, फीवर तो कम हो गया लेकिन जाते जाते ना बॉडी में जो पेन्स ऐसे दे के गया बोल नहीं सकते। तो चलो स्टार्ट करेंगे छोटा सा व्लॉग आज। तो आज तो कुछ रेसिपी में तो रोटी बनाई थी, पराठे बनाई थी, पराठे भी नहीं बनाई मैं झूठ कह के बोलूँ, मैं बाहर से मंगाई थी पराठे आज, बिकॉज हाथ नहीं हो रहा था आज, सोची मैं फुल रेस्ट ले लूँ पराठे बाहर से मंगा के खाएंगे बोल के पराठे बाहर से मंगाई। और अभी टाइम हो रहा इवनिंग का, तो मैं सोची व्लॉग भी एंड करेंगे एंड चाय पराठे अपन जो खा रहे सो एक बार दिखाएंगे आप लोग को, बिकॉज मेरी चाय बहुत जने मिस करते इसके वजह से। तो चलो चाय बनाएंगे फिर मिलती हूँ आपसे। पराठे मंगाई थी गाइस मैं 2 पैकेट्स, बट तो कोई भी घर में नहीं खाए, तो देख सकते ऐसी साइड के पराठे हमारे पास कोई भी नहीं खाए। तो इधर बन रही मेरी चाय गरम गरम, तो आइए आप लोग भी चाय पराठा खाने के वास्ते। गाइस अभी चाय रखी मैं, पूरी हालत ख़राब हो गई यार मेरी, तो फेस देखो आप लोग पूरा डल हो गया मेरा फेस एकदम। चलो फिर बाद में अच्छा कर लेंगे खा के पी के अच्छे से। अली की भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर नखीबा है तो आप लोग समझेंगे बाजी को कोरोना हो गया बोल के, कोरोना तो नहीं हुआ, ऐसी चीज़ों से अल्लाह बचाए तो बहुत अच्छी बात है। रेडीमेड पराठा ऐसा रहता देखो गाइस, घर की बात नहीं आती। ये कितना भी घर की अच्छी रहती है ना, थोड़ी देर के उन्हें हवा लगती ना तो सख्त हो जाती है पराठे, मतलब जो पैकेट्स के लेते ना अपन बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ना घर के अच्छे रहते हैं। क्या कर सकते, तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से तो बाहर से मंगा के खाना पड़ा। तो ये है गाइस पराठे और गरम गरम चाय। तो बुखार में ना ये खाना दिल भर रहा, मतलब कुछ भी खाना दिल नहीं भर रहा, तो बस बहुत दिन से हम लोग चिकन भी नहीं खाए एंड मटन भी नहीं खाए, तो अच्छे बाद में खाएंगे अपन और अच्छे रेसिपी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आप लोग भी चाय पीने, और किस किस को पसंद पराठे और चाय, घर की रहना था और पराठा मज़ा आती थी, बट आज तो मैं ठीक हुई तो मैं सोची किचन में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करने से अच्छा आज व्लॉग डालेंगे आप लोग के साथ। ठीक है चलो पहले मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, बात बहुत हो गए मेरे पास।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई थिंक आप लोग को पसंद आया होगा। और बहुत जने समझ रहे थे दीदी आज का लास्ट व्लॉग है शायद, अभी डालते नहीं डालते शायद, मतलब रहता ना थोड़े जनों की, इतने दिन तक कभी भी मैं नहीं करी ऐसा, मतलब कभी भी रहने दो, कंटिन्यू व्लॉग्स रहते थे मेरे 3 साल में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार हुआ, मतलब बहुत नज़र भी लग गई थी और ना मतलब बुखार भी बहुत ख़तरनाक वायरल वाला फीवर आया था इसके वजह से। तो अब मेरी हेल्थ अच्छी है, बच्चों की भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और भैया को भी उस दिन था ना, उसके बाद में वीडियो के बाद में अपडेट दिए ना हम लोग, उसके बाद भैया को फुल बुखार आ गया। उन्होंने भी 3-4 दिन ऑफिस को नहीं गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑफिस को गए, बिकॉज उनको भी फुल फीवर एंड सर्दी हो गई थी, तो उन्होंने भी ऑफिस को गए। मतलब आज मंडे के दिन, कल हम लोग अच्छे हो गए थे, आज पूरे परफेक्ट अच्छे हो गए, तो उन्होंने भी ऑफिस को चले गए। एंड मैं भी आज व्लॉग स्टार्ट करी, एंड थोड़े कपड़े थे, मतलब अपनी मशीन में तो हाथों कच्चे भी नहीं होते, ऑटोमेटिक है, तो कपड़े वगैरह तो मैं धो ली। और उसके बाद में मैं कुकिंग नहीं करी, देखो कुकिंग आई को नहीं करी, इसलिए नहीं करी फिर तबीयत ख़राब हो जाती, गले में भी थोड़ा थोड़ा दर्द था मेरे, उसके वजह से पानी में नहीं भीगी। और बस ये था छोटा सा अपडेट देंगी सोची थी, एंड ज़रूर दुआओं में याद रखना। तो चलो गाइस फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़। और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मैं भी आप लोग को सब जनों को दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलती हूँ एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी वापस।